से। राजस्थान के भरतपुर में पटवारी परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जहां पुलिस की एसओजी टीम ने कार्यवाही करते हुए 10 ऐसे अभ्यर्थियों को पेपर देने से पहले ही दस्तयाब किया है जिनके पास पहले से ही प्रश्न पत्र थे और अब दस्तयाब किए गए अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो प्रश्न पत्र पटवारी परीक्षा में आया था उसने इनके कब्जे से बरामद किए गए प्रश्न पत्रों से मिलान किया जा रहा था। भरतपुर सीओ सिटी सतीश वर्मा ने बताया कि पटवारी परीक्षा पेपर को लेकर सूचना मिली थी कि कुछ अभ्यर्थियों के पास पटवारी परीक्षा का पेपर पहले से ही, उसके बाद कुछ लोगों को ऊंचा नगला बॉर्डर और कुछ लोगों को नगर क्षेत्र से पुलिस ने 10 अभ्यर्थियों को दस्तयाब किया है। 10 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जिनके पास पेपर मिले हैं और अब इसकी जाँच की जा रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक चेक भी बरामद किए हैं। सीओ सिटी ने बताया कि पेपर की एवज में 12-12 लाख रुपए की बात हुई थी, पैसे नगद नहीं होने पर चेक दिए गए हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है। आज सुबह करीब 2 बजे सूचना मिली कि भरतपुर के कुछ अभ्यर्थी जो पटवार परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वह व्यक्ति कल शाम को एक गाड़ी से आगरा की तरफ में यहाँ पर प्रश्न पत्र हल करवाया जा रहा है। इसकी सूचना पर उसकी लोकेशन के आधार पर उन व्यक्तियों को ट्रेस किया तो ऊंचा नगला पर आगरा की तरफ से आते हुए उनको रुकवा करके चेक किया, जिसमें वाहन चालक उसका भाई, चूंकि इनको आज अलवर भी जाना था परीक्षा देने तो वह भी साथ था उसका भाई, और 5 व्यक्ति जो पटवार परीक्षा देने के लिए जा रहे थे वो मिले, जिनमें एक महिला भी है, उनको डिटेन कर थाने पर लाया गया और उनके पास में अनुचित सामग्री मिली है जो उन्होंने आगरा में हल कराया जाना बताया, जिसकी एवज में एक भीकम नाम के व्यक्ति द्वारा 12-12 लाख रुपये की डिमांड की गई थी। पैसे नगद नहीं होने की वजह से 2 खाली चेक और उनके मूल दस्तावेज भीकम द्वारा लिए गए और उसने अपने भाई जितेंद्र, जो स्वयं पटवार परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, के साथ आगरा भेजा था, जो वहाँ पर परीक्षा प्रश्न पत्र हल कराया गया, उनको डिटेन का थाने लाया गया और उनका साथी जितेंद्र को उसकी लोकेशन के आधार पर नगर में नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया, जिसके साथ भी 6 अन्य व्यक्ति मौजूद मिले हैं, उनको